नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि रामनवमी में हमें किस तरह से पूजा करना है, पूजा करते समय हमें किस रंग का वस्त्र पहनना है, राम जी और सीता मैया को क्या प्रिय है, हमें क्या भोग लगाना चाहिए, पूजा का महत्व क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, रामनवमी हिंदुओं का पर्व होता है। यह हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए रामनवमी हम लोग मनाते हैं। इस दिन राम भगवान जी का जन्म होता है, इसलिए भी हम लोग रामनवमी मनाया जाता है। रामनवमी में पूजा करते समय दोस्तों, अगर आपके पास पीला वस्त्र है तो आप ज़रूर पहनिएगा। पीला हो चाहे लाल हो, आप इस दोनों के रंग का वस्त्र ज़रूर पहनिएगा। राम जी और सीता मैया को अगर आपको भोग लगाना है तो आप खीर लगा सकते हैं। दूध में बना हुआ खीर होना चाहिए और ध्यान रहे उसमें कुछ भी मावा मेवा ना हो। जैसे आप खीर बनाते हैं वैसे ही करके इन्हें चढ़ाइएगा और तुलसी पत्ता अवश्य डालिएगा। राम जी का पूजा करते समय इन भगवान को पीले रंग का चंदन जरूर लगाइएगा और दुब्भी और उसके साथ अक्षत भी जरूर चढ़ाइएगा। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजा करने का तो वैसे दोस्तों हम लोग हमेशा पूजा कर सकते हैं दिन भर, लेकिन इसका खास कोई शुभ मुहूर्त है जो कि है 11:02 से लेकर के दोपहर 1:15 तक। मैं फिर से एक बार बोल दूं, रामनवमी के पूजा का शुभ मुहूर्त है 11:02 से लेकर के दोपहर 1:15 पर। यह कुछ खास और शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजा कीजिएगा तो आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। राम जी का पूजा करने के बाद आप राम कथा जरूर सुनिएगा। हनुमान जी का भी आप पूजा इनके साथ जरूर कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए आप उनका भी कथा जरूर सुनिएगा। रामनवमी के दिन पूजा करते समय आप अगर उपवास रखते हैं तो उसे खोलने के पहले आप तुलसी पत्ता में जल देकर सेवन जरूर कीजिएगा। ऐसे करने से आपका पूजा सफल होता है। राम जी और सीता जानकी, जिन्हें मिथिला की जानकी कहा जाता है, आप इनका भी पूजा बहुत ही अच्छा से कीजिएगा। अगर आपके पास संभव हो तो आप सुहागन का सारा सामान भी जरूर चढ़ाइएगा और उसे चढ़ाने के बाद किसी भी मंदिर में या किसी भी पंडित जी को दे दीजिएगा और वो भेंट के ओर से। इस तरीका से पूजा करके आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। राम जी को लाल अड़हुल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आप कोशिश कीजिएगा लाल अड़हुल ज़रूर चढ़ाइएगा। इस तरीका से पूजा कीजिएगा तो आपके सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होगी। और पूजा करने समय ध्यान रहे कि कोई भी विपक्ष ना आए, आप सभी के पूजा में विघ्न ना आए। इस तरीका से पूजा करने से अभी आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, कुछ यह जानकारी थी रामनवमी का। उम्मीद करूंगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।